Good morning, children. Now welcome back again in our video session. Now this is your part 2 of chapter number 12, that was fun with magnets. So last time we had finished our blueprint of chapter number 12, okay, of this chapter, and today we are going to continue our exercises of the worksheet. Okay, so let's have started it. Now first number, magnetic and the non-magnetic materials. All of you see here, define the following. Now magnetic material and the non-magnetic material, see here, materials, those who are made up of iron, nickel and the cobalt. Wo materials jo iron, nickel aur cobalt ke bane ho ya fir unse mila kar ke kisi alloy ke bane ho, उसको मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स. देखो बच्चों, ये डेफिनेशन तो मेरी है, अगर आप चाहो तो मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये वाली डेफिनेशन आप वहाँ पे लिख सकते हो कि सब्सटेंसेज डैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड द सब्सटेंसेज डैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. ओके, वो सब्सटेंसेज जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्टेड नहीं हैं, और वो सब्सटेंसेस मतलब जो होते हैं, जो अट्रैक्टेड होते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना. दैट वाज मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर डोमेन्स मिलते हैं, वो डोमेन्स जो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं. मैग्नेट इन डोमेन्स वाले मटेरियल्स को ही मैग्नेट में कन्वर्ट करता है, चाहे आप सिंगल टच मेथड का यूज़ करो, चाहे आप डबल टच मेथड का यूज़ करो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज़ करो. किसी भी तरह के मेथड का अगर आप यूज़ करते हो तो आप केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप कर पाओगे. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कभी भी मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होगा. ये वही वाली बात हो गई कि प्लांट का जो सीड होता है, नया प्लांट सीड से ही निकलेगा, भले वो सीड को आप पुराना समझो, एक साल बाद लगाओ या दो साल बाद लगाओ. मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि किसी वुडन पीस को मैं अर्थ में लगा दूँ और वहाँ से एक नया प्लांट बाहर आ जाए, नहीं, उस वुडन पीस की क्वालिटी नहीं है. इन द सेम वे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिससे कि वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप कर पाएँ, ठीक है ना. तो इसीलिए ये कभी भी अपने आप को मैग्नेटिक मटेरियल्स में या फिर कभी भी अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों. ओके, नाउ लेट्स हैव अ सी नेक्स्ट नंबर. कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है हमें. ऑब्जेक्ट नेम आयरन नेल, आयरन का नेल. मटेरियल्स विच इज मेड अप ऑफ, दैट वाज द आयरन. अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. अट्रैक्टेड, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आयरन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना. तो मटेरियल्स विच इट इज मेड अप ऑफ, डेट वॉज द आयरन, यहाँ पर अट्रैक्टेड एंड यहाँ पर मैग्नेटिक. ओके, नेक्स्ट नंबर वुडन स्केल. किस मटेरियल का यूज़ किया आपने, विच मटेरियल हैज़ बीन यूज हेयर, डेट वॉज द वुड. अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड, द आंसर विल बी नॉट अट्रैक्टेड, दैट वॉज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक, ठीक है. थर्ड नंबर देखिए, शूज. जो हमारे शूज होते हैं वो किसके बनते हैं, शूज कभी भी आयरन के या कॉपर के या एल्यूमिनियम के या सिल्वर के तो या गोल्ड के तो कोई बनेंगे नहीं, किसी भी मेटल्स के शूज तो बनते नहीं हैं. हाँ, हो सकता है डेकोरेशन के लिए या उनका अच्छे लुक के लिए थोड़ा बहुत आप मेटल्स का यूज़ कर दो, बट
दीज आर नॉट कंपल्सरी फॉर द शूज़, कि अगर आप मेटल का यूज़ नहीं करोगे तो शूज़ बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, शूज़ बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली शूज़ बनाने के लिए या तो आप फोम का यूज़ करते हो या तो फिर आप लेदर का यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्योंकि मैक्सिमम शूज़ लेदर के ही बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लेदर लिख दिया है। डैट वॉज नॉट अट्रैक्टेड, ओके, एंड नॉन मैग्नेटिक। Not attracted and non-magnetic. Jacket, jacket basically किसका बनता है? Leather का ही होता है, leather का भी होता है और clothes के भी होते हैं, cotton का भी होता है, okay? तो ultimately में ये होगा, ठीक है, या तो leather होगा या तो फिर clothes होगा, ठीक है बच्चों। Not attracted, this one, non-magnetic, this one. फिफ्थ नंबर स्टील प्लेट, ये किसका बनता है? अलॉय की बनती है। स्टील प्लेट इज मेड अप फ्रॉम द अलॉय, डेट वॉज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्टील, अब यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि ये लोग स्टील की बात कर रहे हैं या फिर स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में जो हमारे बर्तन हैं, बर्तनों के लिए आप जिस स्टील का यूज़ करते हो, डैट वॉज द स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील जो होगा डैट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। तो स्टेनलेस स्टील को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पर, डैट वॉज नॉट अट्रैक्टेड एंड नॉन मैग्नेटिक। अब देखो बच्चों, स्टील को बनाने में आप आयरन का भी यूज़ करते हो, क्योंकि स्टील क्या है? एलॉय है, मतलब ये खुद कोई एक मेटल नहीं है, बल्कि दो तीन तरह के मेटल से मिला के बना हुआ ये एक मेटल बोलो या फिर एलिमेंट्स बोल दो, दो तीन तरह के एलिमेंट से मिला करके बनता है, कौन? स्टील, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। हर वो सब्सटेंस जो दो तीन एलिमेंट से मिला के बने उसको हम क्या बोलेंगे? एलॉय, ओके। तो यहाँ पर स्टील बनाते वक्त आपने आयरन का कंटेंट कितना रखा था, आयरन का अमाउंट कितना रखा था, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अट्रैक्ट होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखे हैं वो स्टेनलेस स्टील को ध्यान में रखते हुए लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर देखिए, आयरन रॉड, आयरन का रॉड किससे मिला के बनता है? आयरन से। अट्रैक्टेड, यस अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक? मैग्नेटिक। सेवेंथ नंबर देखिए, ब्लेड, ब्लेड किसका बनता है? आयरन, बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों, अब जहाँ तक ब्लेड का सवाल है, तो ब्लेड के केस में मैंने यहाँ पर आयरन लिख तो दिया है, लेकिन ब्रैकेट में स्टील भी लिखा है। अब देखो, ब्लेड कोई एक कंपनी तो बनाती नहीं है, कई तरह की कंपनियाँ हैं, और हर कंपनी चाहती है कि भाई हमारा ब्लेड ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ज़्यादा अच्छा हो, इसके लिए वो लोग एलॉय का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लेड को, ब्लेड की हेल्प से जब कभी भी आप शेविंग करते हो, ठीक है, शेविंग के लिए ही और भी किसी पर्पज़ के लिए जब आप ब्लेड का यूज़ करते हो, तो उस ब्लेड में अगर आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो पब्लिक उसको बार बार यूज़ कर पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि शेविंग करने के बाद भी उसमें काफ़ी धार होती है, उसमें काफ़ी काम आप उससे कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेट वॉज द अट्रैक्टेड एंड मैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ब्लेड के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज आयरन का अगर होगा तो डैट विल बी कॉल्ड एज अ अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्टेड होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक, ठीक है बच्चों, ओके। नाउ सी द सी नंबर, नेम द शेप्स ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट। फर्स्ट नंबर दैट वॉज द बार मैग्नेट, ओके, इस शेप वाले मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं? डैट वॉज द बार मैग्नेट। इसको देखो, दिस इज द सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओके। थर्ड नंबर, दिस विल बी नोन एज अ हॉर्स शू मैग्नेट, शू शेप्ड मैग्नेट, या फिर हॉर्स शू
शेप्ड मैग्नेट्स भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर देखो, सर्कुलर मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, नाउ प्लीज टर्न ओवर द पेज। नाउ सी हियर, ओके सी द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ओके, भुजो डिप्ड अ बार मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड इट आउट। मतलब भुजो ने एक मैग्नेट का बार लिया, मतलब मैग्नेट का एक पीस लिया और उसको आयरन फिलिंग्स में डाल दिया। ओके, ही फाउंड दैट आयरन फिलिंग्स गॉट स्टक टू द मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो कि भुजो ने जब आयरन मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में डाला था, तब डालने के बाद जब उसने बाहर निकाला तो देखा कि उस मैग्नेट के दोनों पोल्स पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन फिलिंग्स स्टक हो गई हैं। ओके, नाउ इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेट्स हैव अ सी व्हाट क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड विद अस टू अस। क्वेश्चन नंबर वन, विच रीजन्स ऑफ द मैग्नेट हैव मोर आयरन फिलिंग्स स्टिक टू इट। अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूँ तो मैग्नेट के कौन से रीजन में आयरन फिलिंग्स ज़्यादा स्टिक होंगे। ओके, मोर आयरन फिलिंग्स स्टिक टू इट, क्वेश्चन नंबर वन। आंसर नंबर वन मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मतलब किसी एक पोल्स पे नहीं होंगे, किस विच रीजन पूछा है ना, कौन से रीजन में, इसके मिडिल में नहीं होंगे, दोनों के दोनों पोल्स पे होंगे। वाई, क्योंकि आप याद रखो भुजों के हाथ से जो गिरा है वो क्या है, मैग्नेट है। कहाँ गिरा है, आयरन फिलिंग्स में गिरा है। आयरन फिलिंग्स को ये नहीं मालूम कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग बिहेव कौन करेगा, मैग्नेट करेगा, आयरन फिलिंग्स नहीं करेंगे। आयरन फिलिंग्स को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मिलेगा वो वहाँ पर जा कर के अट्रैक्ट हो जाएंगे और अपने आप को स्टक कर लेंगे। तो जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनके दोनों पोल्स पे उनका मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आयरन फिलिंग्स के मैक्सिमम आयरन पार्टिकल्स उनके पोल्स पे जाकर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। आंसर नंबर टू, These regions are called poles of the magnet. These regions are called. Question number टू क्या था आपका, What are these regions called? These regions are called poles of the magnet. इन regions को हम क्या कहते हैं, That was the poles of the magnet. बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि बेसिकली हर तरह के magnets में दो तरह के pole होंगे, That was नॉर्थ एंड द साउथ पोल, नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इनका ये होगा, दीज आर द टू पोल्स। ओके, नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा निकलेंगी। मतलब अगर ये मैग्नेट है, अगर ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और जाती कहाँ पे हैं, साउथ पोल पे। याद रखना, अगर मैं यहाँ पे एरो ना बनाऊँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ से जा रही है। सॉरी, नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर निकलती हैं और साउथ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा अंदर जाती हैं। ठीक है, दिस इज द रीज़न
कि वाई द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स बिहेव एज द स्ट्रांगेस्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेट टू शो मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, जहाँ तक बीच का सवाल है तो बीच में तो डोमेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स होते हैं, और इनके अरेंजमेंट की वजह से ही पूरा का पूरा मैग्नेट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा, नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न फॉर द स्ट्रांगेस्ट पार्ट ऑफ द पोल्स। पोल के स्ट्रांग होने का जो रीज़न है वो यही है। ठीक है, ओके बच्चों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फाइंडिंग डायरेक्शंस। ओके ओके बच्चों, वंस मोर, बी एट द होम, बी सेफ, बी साउंड एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। और हाँ बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों का जो भी सिलेबस है PA 1 का और Term 1 का, सबका रिवीजन करना आप लोग शुरू कर दो, बिकॉज नोबडी नोज कि कब हम आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर दें और कब हम कह दें कि भाई अब आप लोगों को सबमिशन करना है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग की नोटबुक चेक नहीं हुई है, पहले नोटबुक के सबमिशन हम मंगवाएंगे। और हाँ बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक्स को आप लोग फिनिश करके रखो। साइंस के PDF मैं बहुत पहले भेज चुका हूँ आप लोगों को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबका फिनिश हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो अभी आने वाले दिनों में 2-3 दिनों तक अभी वीडियोज़ आप लोगों को नहीं जाएंगे शायद, सैटरडे संडे और मंडे, तीन दिनों में आपको बहुत टाइम मिलेगा। अगर किसी का फिनिश नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स को फिनिश कर लो। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।